हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो देखिए, 11 सितंबर के हमारे इस डिस्कशन में अभी तक हमने 70 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। इस सेशन में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 का डिस्कशन करेंगे, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रॉबिन शर्मा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाइप एंड सिस्टम से पाइप ए, बी और सी के बारे में बोला गया है कि दैट दीज पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, 40 आवर्स एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है ए बी सी, आई मीन बोला गया है पाइप्स ए बी सी को खोला जाता है 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे। व्हेन विल बी देयर टैंक विल बी फुल, यानी कि किस टाइम के बाद जाकर टैंक जो है वो फुल हो जाएगा। आपको ए बी एंड सी के बारे में बोला गया कि ए को लगते हैं 30, बी को लगते हैं 40 एंड सी को लगते हैं 60। तो एलसीएम आसान है, यहाँ से देख कर ही बता सकते हैं 120 रहा होगा, 120 रहा होगा। यहाँ से यूनिट वर्क कितना हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा 4 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 30 देगा इसका पर यूनिट काम, फिर बी का पर यूनिट काम एंड फिर सी का पर यूनिट काम। अब देखिए, ए को खोला जाता है 7 बजे, बी को खोला जाता है 8 बजे और सी को खोला जाता है 10 बजे। यानी कि ए को मैं 7 बजे से लेके 10 बजे तक ले जाता हूँ पहले, यानी कि ए ने अगर 7 से लेके 10 तक काम किया होगा तो कितना किया होगा, 4 यूनिट इसका बराबर एफिशिएंसी है। 7 से 10 लगते हैं इसे 3 घंटे, यानी कि 12 यूनिट ए ने 10 बजे तक कर लिया। उसी तरीके से बी को अगर 8 बजे खोला जाता है तो 10 तक पहुंचने के लिए इसको कितने लगते हैं घंटे, 2 घंटे, यानी कि 3 × 2 करना पड़ेगा। तो बी ने कितना यूनिट काम कर लिया, 6 यूनिट। तो 12 ए ने काम कर लिया है 10 बजे तक, बी ने 6 कर लिया है, यानी कि टोटल 18 यूनिट ए और बी ने 10 बजे तक कर लिया है। ओके, अगर 10 बजे तक 18 यूनिट काम हो चुका है तो बचा कितना काम, 120 माइनस 18 आपको कितना देगा, 102। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सी को भी ओपन कर दिया जाता है, यानी कि अब जो काम करेंगे वो तीनों लोग करेंगे और टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 + 2 यानी कि 9। तो यानी 9 की एफिशिएंसी से अगर ये लोग काम करेंगे, 10 बजे से स्टार्ट होता है इन तीनों का साथ मिलकर काम करना, तो कितना दे देगा ये, 1 × 3/9 या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3, यानी 11 1/3 इनको ऑल टाइम लगेगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 60 का 1/3 होता है 20, यानी कि 11 आवर 20 मिनट और लगेंगे। 10 बजे मॉर्निंग में इन्हें तीनों को एक साथ में खोल दिया गया है, तो 10 बजे के बाद अगर आप इसमें 12 घंटे ऐड करते तो कितना होता, 10 PM हो जाता, लेकिन 40 मिनट कम करना है, यानी कि 9:20 PM में वो जो फिल हो जाएगा टैंक पूरा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट होगा। इन्हें ट्रेपेजियम आपको दिया गया है ए बी सी डी में, डी सी ए बी के पैरेलल है, ट्रेपेजियम बना लेते हैं यहाँ से। तो आपको बोला गया है ए बी की वैल्यू है कितनी, 12, और उसके बाद सी डी की वैल्यू है आपके पास कितनी, 7.2। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल, यानी कि इनके जो डायगनल हैं, इनके मिड पॉइंट्स, इनके मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो आसान है, ये जो ट्रेपेजियम होता है इसके डायगनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 12 - 7.2। ये आपको याद रखना होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4.8/2, यानी कि 2.4 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर वीडियोज आपको SSC से रिलेटेड मिलती रहती हैं यहाँ पर। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 16% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 14%। द नंबर जो अब मिलता है इज नाउ डिक्रीज्ड बाई 30%। वट इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर। तो बस यहाँ पर आपको नेट परसेंटेज चेंज बताना है, बाकी इस सवाल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए, पहले 16 था, फिर उसको इंक्रीज किया 14 से, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 16 × 14/100, यानी कि ये आपका हो गया 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 से 160 + 64, ये मिलेगा आपको 423, यानी कि 3.24। सम करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 33.24। ये पहला ऑपरेशन है जब 16 और 14 से आपने इंक्रीज किया। अब इसके बाद इसे आप 30 से डिक्रीज करते हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, 33.24 × 30/100। तो देखिए, 33.24 में से 30 को माइनस करेंगे तो 3.24 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, माइनस की कितनी आएगी, यहाँ से 0 चला गया, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर ये लग जाएगा, यानी कि 3.324 × 3। तो ये समथिंग कितना है, 9 के करीब है। अब 3 में से अगर मैं इस वाली 9 की वैल्यू को जो कि माइनस में है उसे घटाऊंगा तो लगभग 6 के करीब कुछ मेरे को वैल्यू मिलेगी माइनस में। तो ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 7% डिक्रीज बोल रहा है। तो यही क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हो रहा है, 6 के आसपास जा रहा है। तो ऑप्शन आपका 2 ही 6 के करीब यहाँ पर होगा।
राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस. शी सेल्स 35% ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस, 40% एट 15% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट. तो ओवरऑल परसेंटेज गेन आपको इसका बताना है. तो देखिए, आपने क्या किया, आपके पास 100 आर्टिकल्स हैं, आपने ये मान लिया. उसके बाद इन 100 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपीज़ है, ये भी आपने मान लिया. अगर आपने ऐसा मान लिया है तो बस आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो आपको करना है. आपको बोला गया है 25% आपने अबव किया है इसका सीपी, सॉरी एमपी, यानी जो मार्क प्राइस है वो आपको बोला गया है वो कितना है, 125 रुपीज़. अगर आपको ये पता है, मैं एक की बात करूँ, एक का कितना होगा, तो वो 1.25 होगा, क्योंकि 100 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो एक का मार्क प्राइस कितना होगा, 1.25 होगा. ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलनी थी. तो देखिए, आप जो जो इन्होंने ऑपरेशन लगाया है हम वो लगाते हैं. उन्होंने क्या किया, 35% ऑफ गुड्स यानी कि 35 गुड्स को किस पे किया इन्होंने, मार्क प्राइस पर, यानी कि इसको 1.25 के रेट पर बेचा, ठीक है. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 एकम 35 35 × 25 आपको करना होगा, वो कितना मिलेगा, लगभग आपको मिलेगा 8.75 समथिंग, यानी कि ये हो गया आपका 43.75. ये आपका आ गया है रुपीज़ में पहले 35 आर्टिकल्स का जिसे आपने एमपी पर बेचा. उसके बाद जो 40% आर्टिकल है, यानी कि 40 आर्टिकल जो है आपके पास, उसका वैल्यू बोला है इन्होंने कितने परसेंट का आप डिस्काउंट देते हैं उस पर, 15% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि × 85/100. तो ये आपका 2 बार गया, ये आपका 5 बार गया, 5 से ये आपका 17 हो गया, यानी कि 2 × 17 आपका कितना हो गया, 34. 34 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 1.25 में, तो 34 यानी 34 × 25 × 34 ये आएगा आपका लगभग 42.5 समथिंग, ठीक है. तो ये आपका अगले 40 आर्टिकल्स का आपने वैल्यू निकाल लिया जहाँ पर आपने 15% डिस्काउंट दिया है. बचे कितने, बचे आपके 25. अब 25 को बेचा है आपने 20% के डिस्काउंट पर, यानी कि 25 को जिनका मार्क प्राइस कितना है, 1.25, कितने डिस्काउंट पर, 20, यानी कि कितना हो गए, 1.5, ठीक है, 4/5 सॉरी, क्योंकि 20% का डिस्काउंट देंगे तो 4/5 फैक्टर आएगा, 80/100 आएगा, ठीक है. तो कुल मिलाकर यहाँ पे सॉल्व करना है, ये होगा आपका 5 5 चौक होता है आपका 20, यानी 20 × 1.25 आपको कितना देगा, ये देगा 25. तो आपने तीनों की यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, तीनों की वैल्यू निकाल ली है, सम कीजिए 43.75, 42.5 और 25 का, आपके पास सम कितना आएगा, ये आएगा आपके पास लगभग 111.25. तो कितना परसेंटेज ऊपर है 100 से, आपके पास ये 100 से ऊपर है, 11.25. तो यही क्या होगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पी सी क्या है, टेंजेंट है सर्कल की, पी सी की वैल्यू दी है, बी पी की वैल्यू दी है, आपको ए बी की वैल्यू बतानी है. तो आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे होंगे. ये आपका सर्कल हो गया, ए बी आपका ये कॉर्ड है, इसको आपने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, पी तक. अब पी से यहाँ पर एक पॉइंट है सी जिससे टेंजेंट जाती है, ये आपका पॉइंट सी हो गया, ये आपकी टेंजेंट चली गई. अब यहाँ पर उन्होंने बी पी की वैल्यू दी है आपको 15, पी सी की वैल्यू दी है आपको उन्होंने 18, एंड देन आपको ए बी की वैल्यू बतानी है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए, ये आपको पता होगा फॉर्मेशन क्या होगा आपका, ये पी बी इंटू पी ए इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर, ये आपको पता है. तो पी बी क्या है आपका, 15 है, और पी ए आपका क्या है, एक्स प्लस 15 है, ठीक है. अब 18 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, बस कुल मिलाकर आपको यहाँ से क्या करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग 18 और 18 इंटू का कर लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 15 इधर, और उसमें से माइनस 15 कर देंगे, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, एक्स की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है. तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये लगभग आपका 324/15, तो 15 इसमें से माइनस करना है, ये कितना हो गया आपका 225. तो ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, ये तो हो गया आपका लगभग 21.6, इसमें से आप 15 माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6.6, ठीक है. तो 6.6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जहां पर के क्या है आपका, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ले लीजिए के, एक ले लूँ मैं के को, तो ये हो गया आपका 8 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 कितना हो गया 64, 5 की पावर 25, तो ये कितना हो गया आपका 89. तो ये भी एक फैक्टर का काम ही करेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू लेंगे ये आपका कॉमन ही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. आप हमें टेलीग्राम चैनल के पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पर जाकर फॉलो करें, वहाँ पर हम क्विज भी डालते रहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर वेसल इज 6 and 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया. अगर मैं बात करूँ आपसे हेमी स्फेयर की, हेमी स्फेयर हॉलो है, ठीक है.
अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो कितना होता है, 3π r² + π r². अब यहाँ पर r जो है ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल रेडियस है विच इज 7, ये क्या है आपकी इंटरनल रेडियस विच इज 6। तो पाई में कॉमन लिख सकता हूँ, 3 × 7 का स्क्वायर कितना देगा 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया आपका 147, 36 समथिंग कितना हो गया ये 3, यानी 183 पाई आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। When the price of an article was reduced by 25%, then its sale was increased by X percent. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then बताना है X की value क्या होगी। तो देखिए ये जो तीनों value यहाँ पर increase, decrease इन्होंने किए हैं, ये क्या है, एक दूसरे पे dependent है। यानी कि अगर मैं price की बात करूँ, उसके बाद sale की बात करूँ, and then उसके बाद मैं revenue की बात करूँ, तो price, sale और revenue ये क्या है आपके एक दूसरे पर dependent होते हैं, ठीक है। अब इंक्रीज किया है इन्होंने रेवेन्यू को 20, यानी कि आपको पता है कि रेवेन्यू की जो वैल्यू होती है वो प्राइस इनटू सेल होती है, तो यहाँ पर मैं नेट इफेक्ट लगा सकता हूँ परसेंटेज का। तो रेवेन्यू कितना है आपका 20%। अब उसके बाद आपको बोला गया है कि इन्होंने एक्स परसेंट से इंक्रीज किया है सेल को, जिसको मैंने अगर इंक्रीज करना है तो ये आएगा इंटू 25 माइनस 25 इंटू एक्स अपॉन 100, तो ये कितना हो गया आपका एक्स बाई 4। एक्स में से एक्स बाई 4 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3x/4, 25 इधर जाएगा तो हो जाएगा 45। अब 3 से 15 टाइम जाएगा, 15 × 4 कितना देगा आपके x की वैल्यू 60, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स। आपके 100 थे, 100 में से 55 आपके क्या हो गए, मेल्स हो गए। अब इसमें से बचे हुए 45 आपके क्या हो गए, फीमेल्स हो गए। अब इसमें से बोला गया है कि मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स, 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, यानी कि इसका 40% क्या है आपका इलिटरेट है। तो 40% अगर मैं इसका निकालूं 22, अब लगभग 22 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपके इलिटरेट 22। बचे हुए 33 आपके क्या होंगे, ये होंगे लिटरेट्स। इसी तरीके से फीमेल्स के बारे में वो लगा है कि 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, यानी कि इसका 40% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास 16 और 2, यानी कि 18 आपके पास ये है, तो बचे हुए क्या होंगे, इलिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने होंगे आपके पास, ये होंगे 27, ठीक है, 27 होंगे आपके पास इलिटरेट। तो आपके पास वुमेन एंड फीमेल के जो वैल्यू हैं लिटरेट एंड इलिटरेट के वो आ गए हैं। देन बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, लिटरेट मेल्स आपके पास कितने हैं 33, आर मोर देन द इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स कितनी है आपके पास 27, कितनी ज़्यादा है ये 6 ज़्यादा है, किस पर पूछा है 27 पर, तो 6 से 3 से काट सकते हैं, 2 बार जाएगा 3 से 9 बार, 2/9 × 100 करना होगा, तो ये आपको कितना आंसर देगा, ये देगा 22/9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन इन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड एट 30 और 60। तो बना लेते हैं, ये आपका टावर हो गया, इसके इधर की साइड पर आपने दो एंगल लिए हैं, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 400√3, ये होगी आपकी 400√3। द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट टावर की बतानी है, अगर मैं बात करूँ 60 की तो आपने करस्पॉन्डिंग रेशियोज पढ़े होंगे कि 60 के सामने आपका √3 होता है और ये हो गया आपका 1, लेकिन अगर √30 इसकी 30° की बात करता हूँ तो ये होना चाहिए था आपका कितना 1 और ये पूरा होना चाहिए था √3, लेकिन ये तो आपका √3 है, तो इसे 1 को मुझे √3 बनाने के लिए यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ भी √3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो गया मेरे पास, ये जो पूरा वैल्यू है ए और बी की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 3। अब इस 3 में से अगर मैं इस 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 2, यानी कि 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरे पास क्या 400√3। अगर 2 की वैल्यू है 400√3 तो 1 की कितनी होगी 200√3। अब मुझे बताना क्या है, इसकी हाइट बतानी है जो कि √3 टाइम्स है, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × √3 कितना हो जाएगा आपका 600, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सो दिस वॉज दी वन मोर सेशन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, रेगुलर वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर लिंक्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, एंड इंस्टाग्राम पेज को जहाँ पर 30K लगभग लोग हमसे जुड़ चुके हैं, रेगुलर पोस्ट में डालता रहता हूँ करंट न्यूज़ फैक्ट से रिलेटेड, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो दी फेसबुक पेज। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।